हम सबको अपना मानकर चलते हैं तो हमारे पास सदा के लिए समय है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए, आखिरी छटपटाहट हिंसा की तरफ, असद्भावना की तरफ। सद्भावना पर जो चलते हैं, अहिंसा पर जो चलते हैं, सत्य बात पर, न्याय बात पर जो चलते हैं, उनके लिए समय है, क्योंकि वो रहने वाले हैं, वो रहते हैं, इसलिए दुनिया रहती है। एक पैर पर क्यों ना हो, धर्म जीवित है, इसलिए दुनिया है। वो भी चला जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, और इतने में प्रलय आने वाला नहीं है, मेरी गारंटी। 4,35,000 वर्षों में से 5,124वां शुरू हुआ, अभी बहुत समय, इतना रुकना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारे धामों के, धर्म पीठों के आधार पर, हमारे संतों के वाणी को समग्र और सकलता में हम सुनते रहे, उसके अनुसार अपने घर में स्व संस्कृति के संस्कारों के अनुसार स्वभाषा स्वभूषा आदि का अनुसरण करके चले, पूरे समाज को जोड़े अपने साथ। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कमी नहीं है उसमें। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।